नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो ट्रांसफार्मर होता है उसका ओपन सर्किट टेस्ट करना सीखेंगे। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हमने एक ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना बताया था। आज हम उसी के माध्यम से या उसी के जरिए आज हम ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करना सीखेंगे। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट साथियों आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या अपन ने पढ़ रखा थ्योरी में। तो इसके लिए अपने को क्या एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी, जो आपको दिख रहा होगा साथियों। इधर दो वायर दे रखे और इधर चार पांच वायर निकाल रखे साथियों, जो आपको दिख रहे होंगे। एक अपने को वाट मीटर की आवश्यकता होगी, जो आपको वाट मीटर ये दे रखा है साथियों। इसका कनेक्शन मैंने इससे पिछली वीडियो में एक बार करवा रखा, वाट मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। और ये जो मीटर आता है अपना वाट मीटर, उसके पीछे इसका सर्किट डायग्राम भी बना आता है। एक अपने को एम्पियर मीटर की आवश्यकता होगी, ये मेरे पास एक एम्पियर मीटर रखा हुआ है। और एक अपने को वोल्ट मीटर की आवश्यकता होगी, ये अपने पास वोल्ट मीटर रखा हुआ है। और साथ ही अपने पास एक मल्टीमीटर भी है और एक अपने पास लैंप भी रखा हुआ है। तो इन सब के जरिए अपन क्या है, जो अपना ट्रांसफार्मर है उसका ओपन सर्किट टेस्ट करना सीखेंगे। मैं बात करूँ साथियों, सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, उससे पहले अपन क्या है, एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो मैं इनको एक बार साइड में कर देता हूँ थोड़ा। ये ट्रांसफार्मर, इनको सबको मैं एक बार साइड में कर देता हूँ। साथियों, अपने को पता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक एच वी साइड और एक एल वी साइड। जैसे मैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बनाऊँ आपके लिए, ये अपना एक ट्रांसफार्मर हो गया। अपन इस तरीके से ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते हैं, ये अपना ट्रांसफार्मर। साथ ही उसमें एल वी और एच वी साइड का पता लगाने के लिए अपने को मल्टीमीटर से भी इनका रेजिस्टेंस चेक करके भी लगा सकते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा इनको सीरीज टेस्ट लैंप से पता लगा सकते हैं कि एच वी साइड में अपना क्या लैंप कम जलेगा या बिल्कुल नहीं जलेगा, स्पार्किंग होगी ओनली सिरों के ऊपर। एच वी साइड में अपना लैंप जलेगा क्योंकि एल वी जो एच वी साइड होती है साथियों, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, एल वी साइड का रेजिस्टेंस कम होता है। जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर लैंप जलेगा, जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर लैंप नहीं जलेगा। तो इसका पता अपन ने पिछली वीडियो में लगा रखा, एक बार अच्छी तरीके से आप वीडियो देख लेना। जैसे साथियों, अपनी मान के चलो ये एच वी साइड है और ये हो गई अपनी एल वी साइड। जो मैंने बाइंडिंग बना रखी इसमें टर्न की संख्या ज़्यादा दे रखी, इसमें कम दे रखी है। उसके बाद में अपने को क्या करना होगा साथियों, अपने को एच वी साइड अपन जैसे अपने घरों की 230 वोल्ट सप्लाई लेंगे लगाएंगे। जैसे अपनी यहाँ पर 230 वोल्ट दे रहे हैं, 230 वोल्ट दे रहे हैं। और इधर आपको साथियों, या तो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखी रहेगी, या आप वोल्ट मीटर जैसे अपने घरों की 230 वोल्ट देंगे और इधर आपको वोल्ट मीटर लगा के चेक करना है कि अपने को आउटपुट में कितनी वोल्टेज दे रहा है। जैसे आपको 115 वोल्ट दे रहा है, 120 वोल्ट दे रहा है, 150 वोल्ट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे अपने मान के चलो यहाँ पे 230 वोल्ट दी और अपना जो ट्रांसफार्मर है 150 वोल्ट दे रहा है आपको। अब अपने को क्या करना होगा साथियों, ओपन सर्किट कर रहे हैं तो ओपन सर्किट में अपने को पता है एल वी साइड तो अपने को सप्लाई देनी है और एच वी साइड अपने को खुला रखना है। एच वी साइड या तो कोई लोड नहीं लगाना है, एच वी साइड में कोई लोड नहीं लगाना है, और एल वी साइड अपने को सप्लाई देनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा साथियों, आपको मेन चीज़ यही ध्यान देनी है, जो ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं अपन उसमें, अपन पहले ट्रांसफार्मर को एच वी साइड अपने सिंगल फेज सप्लाई देंगे और एल वी साइड में अपन वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे साथियों मैं एक वाट मीटर बना देता हूँ, ये अपना वाट मीटर हो गया। वाट मीटर अपने को न्यूट्रल भी देना होता है वाट मीटर को। यहाँ पर एक अपन वोल्ट मीटर लगा देंगे, ये वोल्ट मीटर हो गया। एक एम्पियर मीटर भी लगा देंगे, और एम्पियर मीटर लगाने के बाद में बचे हुए दो सिरे या आउटपुट के सिरे हैं, इनमें अपन क्या करेंगे साथियों, इनमें अपने को 115 या 150 वोल्ट देनी है। अपनी जो आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिल रही थी वो वोल्टेज लगानी होगी। इसके लिए अपने को एक वेरियक की आवश्यकता होगी, जिसको अपन ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उससे अपने को क्या वोल्टेज कम करके देनी है। और इस साइड को अपने को क्या करना है, ओपन रखना है, एच वी साइड को ओपन करना है, और एल वी साइड में अपने को सप्लाई देनी होगी। एल वी साइड में सप्लाई देंगे, जो अपना एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर सब काम करेंगे। अपना जो वाट मीटर रीडिंग देगा वो रीडिंग क्या हो जाएगी अपनी, इस ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस हो जाएगी साथियों। इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले अपन एक बार अपने जो पिछली वीडियो डाली अपन ने शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया था, उसको अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद में ये अच्छी समझ में आएगी आपने। ट्रांसफार्मर अपना ये ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसमें एक साइड
एल वी साइड है, एक साइड एच वी साइड है। इसका पता लगाने के लिए साथियों अपने को क्या करना होगा, जैसे मैं आपको नॉर्मल सा दिखाऊं, अपने पास ये मल्टीमीटर रखा हुआ है, इसको रेजिस्टेंस पे सेट कर देता हूं मैं। रेजिस्टेंस पे सेट करने के बाद में जो ये दो वायर दे रखे ट्रांसफार्मर के, इनके एक लीड को मैं इस पे लगा देता हूं और एक लीड अपने दूसरे ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे पे लगा देते हैं और फिर अपने मल्टीमीटर की रीडिंग चेक करते हैं। देखो साथियों, आपको मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा होगा, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, जो अपना मल्टीमीटर रीडिंग दिखा रहा है। जैसे अपन इन दोनों सिरों को क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के इधर की साइड लगाएंगे, तो अपने मल्टीमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी साथियों, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि अपनी ये प्राइमरी साइड है और इधर ये सेकेंडरी साइड है जो लो वोल्टेज है, इसको क्या कर रखी है टैपिंग करके निकाल रखी है। तो इधर में जैसे ही, जैसे अपना एक वायर ये ले लेते हैं रेड कलर का और ये सारे वायर क्या कर रखे हैं कॉमन करके निकाल रखे हैं, एक वायर इधर का एंड ले लेंगे और एक वायर इधर का एंड ले लेंगे और इन पर जैसे मल्टीमीटर को लगाएंगे अपन अपने को, फिर अपन मल्टीमीटर की रीडिंग चेक करते हैं। देखो साथियों, अपने मल्टीमीटर की रीडिंग चेक करते हैं तो अपनी मल्टीमीटर की रीडिंग कहाँ पे शो कर रही है, पहले तो अपन ने जो दो वायर एच वी साइड लगाया था अपनी रीडिंग यहीं दिखा रही थी, लेकिन यहाँ जीरो साइड आ गया, तो अपने क्या इधर की साइड रेजिस्टेंस कम है, उधर की साइड रेजिस्टेंस हाई है। तो ये तो हो गई आपकी हाई वोल्टेज और ये हो गई आपकी लो वोल्टेज। इस तरीके से अपन मल्टीमीटर से पता लगा सकते हैं। उसके अलावा साथियों, अपन जो अपना ट्रांसफार्मर होता है इसको अपन सप्लाई दे के देखेंगे। अभी मान के चलो मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ अपने घरों में, कितनी वोल्टेज आती है साथियों, अपने घरों में आती है 230 वोल्ट। जैसे अपने घरों की 230 वोल्ट लगा देते हैं अपन और फिर इसमें आउटपुट चेक करके देखते हैं, अपने वोल्टमीटर लगा के आउटपुट चेक करके देखते हैं, वोल्टमीटर लगा के आउटपुट चेक करके देखते हैं। जैसे दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर ये अपना वोल्टमीटर रखा हुआ है, इसको मैं अपना जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इससे चेक करता हूँ डायरेक्ट, फिर अपन इसकी रीडिंग चेक करते हैं। देखो दोस्तों, वोल्टमीटर अपना कितनी रीडिंग दे रहा है, 200 प्लस रीडिंग दे रहा है। अब इसको अपन क्या करते थे, अपना जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसके वायर कनेक्ट कर देता हूँ मैं इस पर अपन जो ट्रांसफार्मर दे रखा है इसके वायर कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में अपन वोल्टमीटर से रीडिंग चेक करते हैं, अपना वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देगा, उस तरीके से भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको लगा दिया, उसके बाद में अपना ये वोल्टमीटर दे रखा है, वोल्टमीटर का एक तो मैं रेड वाले पे लगा देता हूँ और एक अपना जो टैपिंग कर रखा है उसके लास्ट के सिरे पे निकाल के देखते हैं। अब देखो साथियों, अपनी रीडिंग कितनी आ रही है, 100 वोल्ट के समथिंग दिखा रहा है, 100 वोल्ट या 110 वोल्ट के। तो अपना वो क्या हो गई, प्राइमरी हो गई, उसको अपन ने जैसे ही 230 वोल्ट दी तो अपने को आउटपुट में क्या कम देना लग गया, वो प्राइमरी हाई वोल्टेज है, ये इधर की लो वोल्टेज वाइंडिंग हो जाती है। अब साथियों, अपने को इस तरीके से पता लगाना है और उसके बाद में अपने को पता है इधर जितनी आउटपुट दे रहा उतनी अपने को वापस एल वी साइड में वोल्टेज देनी होगी ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए। तो साथियों, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अपना ये ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसके मैं इन वायरों को तो एक जगह कर देता हूँ क्योंकि अपने को ये काम नहीं आएंगे, अलग अलग करके रख देते हैं इनको। और अपने जो बचे हुए हैं, जैसे अपने ये बचे हुए वायर है, दो लास्ट के वाले वायर हैं, इन पर अपने को कनेक्शन करना है। तो अपन ने सर्किट डायग्राम बना रखा है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर में क्या करना है, अपने को वाट मीटर लगाना है। तो वाट मीटर लगाने के लिए साथियों, मैंने आपको बता रखा है वाट मीटर में चार सिरे होते हैं, जो अपना वाट मीटर होता है इसमें चार सिरे एम एल सी और बी। एम और सी को मैंने कॉमन कर रखा है, एम में अपने को लाइन लगानी है वापस, एल से वापस अपना लोड वायर निकलेगा और बी वाले सिरे को अपने को न्यूट्रल देना होगा। तो साथियों, मैं जो अपना ट्रांसफार्मर का रेड वाला वायर है, जो अपना ट्रांसफार्मर दे रखा है उसका रेड वाला वायर है, उसमें क्या कर देता हूँ, अपना जो वाट मीटर होता है उसका एम सिरा कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से एम सिरा को मैं कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से एम सिरा कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे साथियों, अपना जो ब्लैक कलर का वायर दे रखा है बीच सिरे को, अपने को न्यूट्रल देना है तो ट्रांसफार्मर के दूसरी वाइंडिंग के सिरे पे या ब्लू कलर के वायर पे कनेक्ट कर देंगे, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इसको मैं कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट करने के बाद में अपना जो एल वाला सिरा बचा हुआ है, ये एल वाला सिरा बचा हुआ साथियों, इसको क्या कर देते हैं, बोल्ट मीटर का एक वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अपना बोल्ट मीटर है, इसका एक वायर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से वोल्ट मीटर का एक वायर अपन कनेक्ट कर देंगे, वोल्ट मीटर का एक वायर कनेक्ट कर दिया। और इसी वोल्ट मीटर के एक दूसरे वायर को क्या कर देते हैं साथियों, अपन ये ट्रांसफार्मर का वोल्ट मीटर अपना एम वाले सिरे पर कनेक्ट कर देंगे और उसी तरीके से अपन बी वाले सिरे पर जो अपना वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा है उसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि साथियों अपने को पता है बी पे न्यूट्रल देना है। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार वापस करके दिखाता हूँ साथियों। इस तरीके से अपन वापस हटा देते हैं।
इसके लिए साथियों मैंने वापस हटा दिया। अपना जो ट्रांसफार्मर का एक सिरा लेना, पहले अपन ने जैसे ये वाला वायर लिया मैंने ब्लू कलर का, इसको क्या करना है, अपने जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर अपने को पता है वाट मीटर को फेज और न्यूट्रल देना है। तो इससे पहले मैं एक वायर कनेक्शन करके दिखा देता हूँ साथियों इसका आपको मैं। तो साथियों देखो मैंने इनका कनेक्शन किया, तो मैं आपको एक बार कनेक्शन सिखा देता हूँ अपने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। एच बी साइड अपने क्या है, ये अपना ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर को एच बी साइड से मैंने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है और इसको एक साइड रख देता हूँ मैं, ओपन करके एक साइड रख दिया। उसके बाद में जो अपन ने टैपिंग करके निकाल रखे वायर ट्रांसफार्मर के, ये पांच वायर थे, उनमें से तीन वायर मैंने एक जगह करके इनको अलग अलग करके रख दिया। और अपने दो वायर है लास्ट के, एक तो इधर इधर का टर्मिनल और एक इधर इधर का टर्मिनल, उसमें क्या किया साथियों अपन ने, जो अपना ब्लू कलर का वायर निकला हुआ ट्रांसफार्मर में, उसमें क्या किया साथियों अपन ने, जो वाट मीटर होता है उसका वाट मीटर का मैंने बी वाला सिरा लिया एक, तो एक अपन ने वोल्ट मीटर का एक सिरा लिया है, एक तो अपन ने वाट मीटर का बी वाला सिरा, एक वोल्ट मीटर का एक सिरा, और इनको एक वायर न्यूट्रल देने के लिए, अपनी सप्लाई का न्यूट्रल देने के लिए अलग से इनको कनेक्ट करके इनके ऊपर टैप कर दिया है। इस तरीके से मैंने इनको टैप करके अलग कर दिया है, ठीक है साथियों। उसके बाद में अपना जो ट्रांसफार्मर का रेड कलर का वायर निकला हुआ है, जो ट्रांसफार्मर का रेड कलर का वायर निकला हुआ है, जो रेड कलर का वायर है उसमें मैंने वोल्ट मीटर का, जो अपना ट्रांसफार्मर का रेड कलर का वायर निकला हुआ है उसमें मैंने जो अपना एल सिरा है वाट मीटर का एल सिरा कनेक्ट कर दिया है। अब एल सिरा और एम सिरा कॉमन, अपने एम और सी सिरा कॉमन है। सी वाले सिरे में अपन ने एक वोल्ट मीटर का दूसरा वायर ले रखा है, एक एम्पियर मीटर जोड़ रखा है, और एम्पियर मीटर और एक अपन ने जो कॉमन करके वायर निकाला न्यूट्रल का, इन दोनों पर सप्लाई लगा के देखनी है। अब सप्लाई साथियों अपने को ध्यान रखना है कितनी देनी है, अपने को सप्लाई देने के लिए ये ध्यान देना है जो ट्रांसफार्मर पहले अपने को आउटपुट में कितनी वोल्टेज दे रहा था। तो मैंने बताया था अपना जो ट्रांसफार्मर आउटपुट में अपने को 150 वोल्ट दे रहा था, तो अपने को इसमें जो एच वी एल वी साइड है ट्रांसफार्मर की, एल वी साइड में 150 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देनी है। अगर 150 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो अपना जो ट्रांसफार्मर की एल वी साइड की हो जाएगी, जल जाएगी, इसका ध्यान देना है बस। तो अपन इसमें सप्लाई लगा के देते हैं, ये अपना बैरियक है। इस बैरियक से पहले एक बार अपन चेक कर लेते हैं साथियों, एक बार बैरियक से मैं मल्टीमीटर लगा के इनमें दिखा देता हूँ आपको कितनी वोल्टेज निकाल रहा है अपना ये बैरियक। तो साथियों मैं इसको यहाँ पर एक बार इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में आपको जो मल्टीमीटर दे रखा है अपना, उसकी रीडिंग नोट करनी है। भाई मल्टीमीटर अपना कहीं 250 वोल्ट तो नहीं दे रहा है, 250 वोल्ट तो नहीं दे रहा, तो मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ। जैसे ट्रांसफार्मर को ऑन करता हूँ साथियों, देखो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑन करता हूँ तो अपना कितने वोल्ट दे रहा है, 150 वोल्ट से कम दे रहा है। मैं इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ज़्यादा कर दिया मैंने बैरियर को घुमा के, ज़्यादा हो गई, लेकिन अपने को 150 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करनी है। तो मैं 150 और 100 के बीच में रख देता हूँ। अब इतनी रखने के बाद में अपन इसको क्या है, जो ट्रांसफार्मर अपन ने कनेक्शन किया है एल वी साइड जो अपना इनपुट देंगे उन वो देनी है। तो इसको देख के देखते हैं साथियों, मैं इसको तो अभी हटा देता हूँ यहाँ से। इसको हटाने के बाद में अपना जो एम्पियर मीटर का एक सिरा, ये वाला सिरा, और एक अपन ने ब्लू कलर का कॉमन करके निकाला ये वाला सिरा, इन सिरे को लगाना है। फिर अपन सप्लाई देके देखेंगे। और ट्रांसफार्मर दे रखा उसमें एच बी साइड में अपन क्या कर देते हैं साथियों, अपना मल्टीमीटर को लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर की एच बी साइड में अपना मल्टीमीटर लगा देते हैं, फिर उसकी भी रीडिंग नोट करते हैं। उसकी रीडिंग अपनी 230 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए साथियों, अगर ज़्यादा जाएगी तो अपना ट्रांसफार्मर क्या जल जाएगा। तो मैंने ये एच बी साइड में अपना मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है और ये अपना एल वी साइड में सारा कनेक्शन कर रखा है जो अपने सर्किट डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग। फिर अपन इसमें एक बार सप्लाई ऑन करके देखते हैं साथियों। अब जैसे सप्लाई ऑन करूँगा तो अपना साथियों ये मल्टीमीटर, वो मल्टीमीटर लगा रखा अपन ने, वो तो अपने को क्या है ये वाला मल्टीमीटर साथियों, ये अपने को 230 वोल्ट से ज़्यादा देना नहीं चाहिए और ये अपने एल वी साइड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मैं सप्लाई ऑन करता हूँ, जैसे अपन सप्लाई ऑन करेंगे देखते हैं साथियों, अपन जैसे ही सप्लाई ऑन करते हैं, जैसे अपन सप्लाई ऑन करेंगे उसके बाद में चेक करके देखते हैं अपने जो वाट मीटर है मल्टीमीटर है ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इनको लगाने के बाद में अपन आप सप्लाई ऑन करते हैं। देखो दोस्तों अपना ये वोल्ट मीटर 110 वोल्ट जो अपन ने नोट किया था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। देखो साथियों अपना जो मल्टीमीटर 230 वोल्ट के समथिंग रीडिंग दिखा रहा है और ये वाट मीटर अपना काम करेगा, ये क्या करेगा साथियों अपने को आयरन लॉस दर्शाएगा। देखो साथियों लेकिन अपना अपने को पता है जो वाट मीटर है इसकी रीडिंग मामूली सी आ रही है, अपने को पता है ये 5 किलो वाट के समथिंग देगा,
5 किलो वाट के दे समथिंग देगा या 5 वाट के समथिंग देगा। अब अपना ये वाट मीटर किलो वाट में, अगर ये वाट मीटर होता तो अपने को रीडिंग दिखा देता, क्योंकि अपने को पता है 115 120 वोल्ट पे काम कर रहा है इस टाइम। तो 115 120 वोल्ट पे अपना ये मीटर काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी रेंज अधिक है। अपने को इस मीटर को कम रेंज का लगाना होगा, कम रेंज का लगाना होगा। मेरे पास कम रेंज का मीटर नहीं है, इस वजह से मैं किलो वाट मीटर लगा के दिखाया। और सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन करना है। इस तरीके से कनेक्शन करने के बाद में, ये कनेक्शन करने के बाद में आप ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस भी ज्ञात कर सकते हो। और साथियों, इससे पिछली वीडियो में ना आपको ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस ज्ञात करना सिखाया, तो वो वीडियो भी एक बार आप अच्छी तरीके से देख लें। और उस वीडियो को देखोगे, उसमें मैंने क्या अच्छी तरीके से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का पता लगाना भी सिखाया है कि कौन सी प्राइमरी होगी कौन सी सेकेंडरी होगी। तो साथियों, अपन इस तरीके से इनमें का कनेक्शन कर सकते हैं। देखो साथियों, अपना ये वोल्ट मीटर भी काम कर रहा है। जैसे अपन सप्लाई ऑन करेंगे, मामूली सा वोल्ट मीटर काम करेगा। मल्टीमीटर मैंने क्या कर रखा, ट्रांसफार्मर की HV साइड लगा रखा है, तो मल्टीमीटर आपको हाईएस्ट रीडिंग देगा। इस तरीके से साथियों अपन कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।